छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थायी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की महतारी वंदन योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 1,000 रूपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। महतारी वंदन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी यानी बीजेपी के चुनावी वादे में से एक था। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में महतारी बंधन योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत महिलाओं को 1,000 रूपए प्रति महीने दिए जाएंगे। महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से, साथ ही महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रूपए की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के तर्क के साथ सरकार ने इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। यही नहीं, सीएम साई ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इस योजना में महिलाओं को 12,000 रूपए देने की मंजूरी सरकार ने दी है। इसमें जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक है वो इसके लिए पात्र होंगे। यही नहीं, इस योजना का लाभ विधवा, तलाकशुदा एवं प्रत्यक्ता मातृ शक्तियों को भी प्रदान होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में निश्चित तौर पर ये नई क्रांति होगी। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साई कैबिनेट के फैसले पर आपत्ति जताई कि महतारी बंधन का पैसा महिलाओं को अब तक क्यों नहीं मिला। देखिए, 2 महीने से ऊपर हो गया सप्लीमेंट्री बजट आया है और महतारी वंदना के लिए बजट में राशि रखी गई है, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं। अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, क्राइटेरिया नहीं बनाए हैं। फार्म तो उस समय 60 लाख लोग भरा लिए, खुद बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हम तो उसको बांटना शुरू करें, कब बांटेंगे? अब 3100 बारे में जब करेंगे तब करेंगे। वो तो उन्होंने कहा था कि हम तो नगद बांटेंगे, पंचायत में देंगे, लेकिन 3100 का जब महतारी वंदना का बजट में जब आप शामिल किए हो तो कम से कम मिलना तो शुरू होना चाहिए महिलाओं को। बता दें कि महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से किए गए प्रमुख वायदों में से एक था। चुनावी रैलियों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के इस योजना को क्रांतिकारी कदम बताकर जमकर प्रचार किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इस पर फैसला नहीं हो पाने को लेकर महिलाओं में खासी नाराजगी दिख रही थी। विपक्ष भी इस लेट लतीफी पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था। लोकसभा चुनाव से पहले साई सरकार के इस फैसले को लेकर ये कहा जा रहा है कि महिला वोट बैंक पर एक बड़ा सेंध लगाने के लिए ये दांव चला गया है। छत्तीसगढ़ से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।